फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने पांचों कनेक्टिव्स हमारे देख लिए हैं। ठीक है, ये पांच कनेक्टिव्स जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, उनके ट्रू टेबल्स आई होप अब तक आपको सब बाय हार्ट याद हुए होंगे। मैं एक और बार वो वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स इसीलिए रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि उसकी उतनी इंपॉर्टेंस है। फाइन, जब मैं ये टेबल कंप्लीट करूँगा तो आपको मेरे साथ साथ उसके आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो टेस्ट योरसेल्फ कि आपको जमता है या नहीं जमता है। लेट्स सी। तो पहले हम लोग एंड का टेबल देखते हैं। ठीक है, टी एंड टी इज टी, टी एंड एफ इज एफ, एफ एंड टी इज एफ, एफ एंड एफ इज एफ। फिर और का टेबल, टी और टी इज टी, टी और एफ टी, एफ और टी इज टी, एफ और एफ इज एफ। देन नॉट का टेबल, नॉट के लिए एक सिंगल स्टेटमेंट होता है, तो सिंगल स्टेटमेंट के लिए ना टी के लिए इट इज एफ एंड एफ के लिए इट इज टी, नॉट के लिए ऐसा आएगा। देन इफ, देन इफ देन के लिए मतलब इट इज बेसिकली इम्प्लीकेशन, जो हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था। ठीक है, इम्प्लीकेशन। नाउ टी इम्प्लाइज टी इज टी, टी इम्प्लाइज एफ इज एफ, एफ इम्प्लाइज टी इज टी, और एफ इम्प्लाइज एफ इज टी। ठीक है, रीजनिंग अपना डिस्कस हुआ था, पदम सर को याद करो। देन इफ एंड ओनली इफ, इसका जो सिंबल है दैट इज डबल साइडेड एरो। इफ एंड ओनली इफ, नाउ डबल इम्प्लीकेशन बोला जाता है। टी डबल इम्प्लाइज टी इज टी, टी डबल इम्प्लाइज एफ इज एफ, एफ डबल इम्प्लाइज टी इज एफ, और एफ डबल इम्प्लाइज एफ इज टी। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ का टेबल ये है। तो आई होप ये आपको याद हो गए होंगे। तो नाउ वी कैन मूव ऑन टू बिगर थिंग्स। ठीक है, लेट्स सी एक्सरसाइज 1.4। अब 1.4 इज क्यूमुलेटिव एक्सरसाइज। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इम्प्लीकेशन पे या डबल इम्प्लीकेशन पे है, मतलब इफ देन या इफ एंड ओनली इफ पे है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखो। तो यहाँ पे अब सब कुछ मतलब क्यूमुलेटिवली आपने जितना अब तक सीखा है सब कुछ अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो कीप योर माइंड्स ओपन। लेट्स सी, पहले एक्सरसाइज 1.4। द क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबलिक फॉर्म। ठीक है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबलिक फॉर्म। तो अभी दिस इज एक्सरसाइज 1.4। The first question, we need to write the following in symbolic form. Symbolic form बनाने के लिए पहले ये देखो कि उसमें basic simple statements कितने हैं, simple statements कितने हैं। Now the first question is, if triangle is equilateral, then it is equiangular. If triangle is equilateral, then it is equiangular. The connective used is if then. जो कनेक्टिव है ये इफ और देन है। तो जो स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स यूज हुए, दोज आर ट्रायंगल इज इक्विलैटरल एंड इट इज इक्विएंगुलर, इट इज इक्विएंगुलर। अब ये स्टेटमेंट में हमें मालूम है कि ये ट्रायंगल की ही बात कर रहा है। आप अगर उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, इफ द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज इक्विएंगुलर, तो वो जो इट है हमको मालूम है कि वो ट्रायंगल की बात कर रहा है। नाउ सिंबलिक फॉर्म बनाने के लिए दो स्टेटमेंट जो तो हम लेंगे, लेट पी स्टेटमेंट बी ट्रायंगल, ट्रायंगलीनी ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, लेट क्यू स्टेटमेंट बी। अब आप दोनों चीज लिख सकते हो, ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर भी लिख सकते हो, इट इज इक्विएंगुलर भी लिख सकते हो, इट इज इक्विएंगुलर। ठीक है, यहां पे ये जो स्टेटमेंट है मैं एज इट इज यूज किया, जैसा स्टेटमेंट लिखा है वैसा का वैसा मैंने भी उसको क्यू स्टेटमेंट बना दिया। ऑल्टरनेटिवली यू कुड हैव रिटन दिस एज ट्रायंगल इज इक्विलैटरल,
ऐसा भी चलेगा, नो प्रॉब्लम विद इट, ठीक है, फाइन. तो द सिंबलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है. पी इम्प्लाइज क्यू कैसे आया? द स्टेटमेंट इज ऑफ द टाइप इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू, ये टाइप का स्टेटमेंट है. तो इफ पी देन क्यू का बेसिक मीनिंग है इट इज पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है. तो द सिंबलिक फॉर्म इज पी इम्प्लाइज क्यू. आपको आपकी बुक में ये आंसर्स लिखने हैं, ठीक है, एक्सरसाइज पूरी बुक में सॉल्व करना है. मैं जो जो चीजें बोलते जा रहा हूं आपको आपकी बुक में लिखते जानी है, ठीक है. जब भी लाइव क्लास शुरू होगी मैं सबसे पहले आप लोगों की बुक्स चेक करूंगा, ठीक है. सबसे पहला काम मैं वही करने वाला हूँ, मुझे बुक्स देखनी है, क्योंकि बाद में बोर्ड एग्जाम में यही बुक्स काम आने वाली है. नहीं तो इतना सा मेहनत करके कोई फायदा नहीं है. अगर आप लिखने ही नहीं वाले हो, सिर्फ देख देख के अगर मैथ सीखा जाता तो बात ही कहती, ठीक है. तो सिंबलिक फॉर्म हियर इट बिकम्स पी इम्प्लाइज क्यू. देन सेकेंड, इट इज नॉट ट्रू दैट आई इज अ रियल नंबर. ये जो पार्ट है, इट इज नॉट ट्रू दैट, दिस रिप्रेजेंट्स नेगेशन. इट इज नॉट ट्रू दैट, ये हम लोग नॉर्मली नेगेशन के लिए लगाते हैं. एंड वॉट इज द स्टेटमेंट, किसको नेगेट कर रहा है वो? आई इज अ रियल नंबर, इसको नेगेट कर रहा है वो, आई इज अ रियल नंबर को, ठीक है. तो वॉट डज इट बिकम, ये जो है दिस विल बिकम नेगेशन, जो इट इज नॉट ट्रू दैट है, एंड दिस बिकम स्टेटमेंट पी, ठीक है. तो विल टेक स्टेटमेंट पी एज आई इज अ रियल नंबर. लेट पी बी द स्टेटमेंट, आई इज अ रियल नंबर, ठीक है. तो वैसे फिर विल राइट देयरफॉर द सिंबलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, नेगेशन पी, इट इज नेगेशन पी. गिवन स्टेटमेंट का सिंबलिक फॉर्म इज नेगेशन पी, ठीक है. स्टेटमेंट ऐसा है, इट इज नॉट ट्रू दैट आई इज रियल नंबर, वो हो जाता है नेगेशन पी, ठीक है. दिस इज सेकेंड. देन ठीक है, आपको पहले सॉल्व करना है तो आप पहले मेरे आगे सॉल्व कर लो और फिर वापस ये वीडियो प्ले करके देख सकते हो, नो प्रॉब्लम. थर्ड, ठीक है, ऐसा सिमिलर टाइप हम लोगों ने पहले किया था. इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग, इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग. और तब भी अपना बात हुआ था यहां पे कि द कनेक्टिव इज दिस, ठीक है. ये जो कनेक्टिव है दिस इज एंड, एंड के लिए यूज हुआ है वो. व्हाट विल बी द टू स्टेटमेंट्स? पहला, अब इट इज नॉट क्लाउडी दिया है, इट इज नॉट क्लाउडी दिया है. इट इज नॉट क्लाउडी को भी हम लोग एक्चुअली टुकड़ा करेंगे, उसमें भी नॉट जो है दैट इज अ सिंबलिक फॉर्म, दैट इज अ सिंबलिक फॉर्म. तो हम लोग हमारा स्टेटमेंट कैसा बनाएंगे? पी स्टेटमेंट आएगा इट इज क्लाउडी, और क्यू स्टेटमेंट आएगा इट इज स्टिल रेनिंग. पी स्टेटमेंट आएगा इट इज क्लाउडी, और क्यू स्टेटमेंट आएगा इट इज स्टिल रेनिंग. We'll say let P statement be it is cloudy, Q statement be it is still raining, ठीक है. यहां पे still is a part of sentence, वो statement के अंदर का part है. उसने कोई भी दो चीज
ज्वाइन नहीं करी, कोई भी दो कनेक्टिव ज्वाइन, ये कोई भी दो स्टेटमेंट ज्वाइन नहीं किया, कनेक्टिव जैसा नहीं यूज हुआ है वो, ठीक है। तो विल से देयरफॉर द सिंबलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, सिंबलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज व्हाट विल बी द सिंबलिक फॉर्म। तो यहां पे पहले तो आपको बोला है इट इज नॉट क्लाउडी, इट इज नॉट क्लाउडी, दैट बिकम्स नेगेशन पी। इवन दो का मतलब है एंड, तो नेगेशन पी एंड क्यू, इट विल बी नेगेशन पी एंड क्यू। नेगेशन पी एंड क्यू, तो इट इज नॉट क्लाउडी एंड इट इज स्टिल रेनिंग, ठीक है। सिर्फ ये एंड की जगह उन्होंने इवन दो लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, दैट इज नेगेशन पी एंड क्यू, नेगेशन पी एंड क्यू। देन क्वेश्चन फोर्थ, अगर मेरी स्पीड ज्यादा है तो वीडियो पॉज करके पहले आंसर कंप्लीट करो, यू एक्चुअली नीड टू कीप योर बुक्स कंप्लीटेड, बात के लिए कुछ छोड़ना मत, ठीक है, बात के लिए कुछ भी छोड़ना मत, नहीं तो जबर सर को बोलना पड़ेगा, एक और संस्कृत का श्लोक आपको सुनाएंगे, ठीक है, आलसी बनो मत। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज नॉट ब्लू, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज नॉट ब्लू, तो पी स्टेटमेंट क्या आएगा, द मिल्क इज व्हाइट, ठीक है, द नहीं, सिर्फ मिल्क इज व्हाइट। क्यू स्टेटमेंट क्या आएगा, द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू, ठीक है, नॉट, ये स्टेटमेंट का पार्ट नहीं रहेगा। विल से लेट पी स्टेटमेंट बी मिल्क इज व्हाइट, क्यू स्टेटमेंट विल बी द स्काई इज ब्लू। द स्काई इज ब्लू, ठीक है, नॉट के लिए हम लोग नेगेशन से दिखाएंगे, तो विल से देयरफॉर द सिंबलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, द सिंबलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट क्या आएगा, पी, दिस, दिस पार्ट इज पी, डबल इंप्लाइज, और ये पार्ट हो जाएगा नेगेशन क्यू, पी डबल इंप्लाइज नेगेशन क्यू, पी डबल इंप्लाइज नेगेशन क्यू, ठीक है। मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज नॉट ब्लू, मतलब निकालने की कोशिश करो मत, सिर्फ सिंबलिक फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। तो ये अपना स्पेसिफिक बात हुआ है कि अगर सिंबलिक फॉर्म में दिखाना है तो द बेसिक स्टेटमेंट्स हैव टू बी पॉजिटिव, जहां भी नॉट है वहां पे नेगेशन का यूज करके दिखाओ, ठीक है। दिस इज फोर्थ, फिफ्थ, द स्टेटमेंट इज स्टॉक प्राइसेस आर हाई इफ एंड ओनली इफ स्टॉक्स आर राइजिंग, पहला आएगा स्टॉक प्राइसेस आर हाई, दैट विल बी स्टेटमेंट पी। स्टेटमेंट क्यू क्या आएगा, स्टॉक्स आर राइजिंग, और कनेक्टिव क्या आएगा, डबल इंप्लीकेशन, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो पी स्टेटमेंट विल बी स्टॉक प्राइसेस आर हाई, विल से लेट पी स्टेटमेंट बी स्टॉक प्राइसेस आर हाई, क्यू स्टेटमेंट बी स्टॉक्स आर राइजिंग, एंड
एंड देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ठीक है, इफ एंड ओनली इफ से कनेक्टेड है तो दैट बिकम्स पी डबल इंप्लाइज क्यू, पी डबल इंप्लाइज क्यू। और ये आंसर पूरा ऐसे का ऐसा लिखते जाओ, ठीक है। मुझे मालूम है हम लोग ये बार 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 लिख रहे हैं, आपकी बहुत इच्छा होती होगी कि उसको शॉर्ट करके सिर्फ इतना लिख दे, ठीक है। ऐसा करो मत, बिकॉज आपके एग्जाम में आपने अभी प्रैक्टिस में जितनी गंदी आदतें फॉलो करी है वो सब की सब एग्जाम में रिपीट होती है। प्रॉब्लम यह है एग्जाम में आपको टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो टेक ओवर कर लेता है आपको, मतलब जो सबकॉन्शियस, क्योंकि जब क्विकली करते हैं तो सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, ध्यान देने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को हैबिट है वही हैबिट फॉलो होने लगती है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सेट की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो प्रैक्टिस से आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हो कि ऐसा करना है, ठीक है। एंड दैट इज़ वॉट वी आर डूइंग हियर। जब आप कंसिस्टेंटली कोई चीज़ करते हो फॉलो, तो धीरे धीरे उसकी अपने आप आदत आ जाती है, वो हाथ में बैठ जाता है, ठीक है। तो आंसर जो लिख रहे हो वो पूरे पूरे लिखो, शॉर्टकट कुछ करना नहीं। देन सिक्स्थ, द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा, इफ और देन से कनेक्टेड है, तो ये जो इफ और देन है ये तो इम्प्लीकेशन हो जाएगा। व्हाट आर द टू स्टेटमेंट्स, पहला स्टेटमेंट पी क्या आएगा, कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, और क्यू स्टेटमेंट क्या आएगा, ताजमहल इज इन आगरा। तो हियर लेट पी स्टेटमेंट बी कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, क्यू स्टेटमेंट बी ताजमहल इज इन आगरा। आगरा में और भी कुछ है मुझे मालूम है, बट फिलहाल ताजमहल की बात कर रहा है। देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, इट विल बी इफ पी देन क्यू, मतलब पी इंप्लाइज क्यू, P implies Q, ठीक है। If और then से कनेक्टेड है कि if कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा, ठीक है। तो दिस इज इफ पी देन क्यू, फाइन। ये पूरा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन सेकेंड। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी ट्रूथ वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन अभी ये सिंपल स्टेटमेंट्स नहीं है, अभी ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स है, ठीक है। तो इनका ट्रूथ वैल्यू मालूम करना है। पहला, द स्टेटमेंट इट इज नॉट ट्रू दैट 3-7i इज अ रियल नंबर, इट इज नॉट ट्रू दैट 3-7i इज अ रियल नंबर। अब इसका ट्रूथ वैल्यू जो निकालना है, ऐसे ही सिंपली सोचने की कोशिश मत करो, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है। सिंपली मतलब ओरली अगर आप सोचने की कोशिश करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। जैसे हम लोग सिंबलिक फॉर्म के लिए सोचते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ थिंकिंग चाहिए। इसको अगर मुझे सिंबलिक फॉर्म में दिखाना है तो व्हाट विल बी माय स्टेटमेंट, 3-7i इज अ रियल नंबर, ये पी स्टेटमेंट होगा, और इसके वजह से इट विल बिकम नेगेशन पी, ठीक है। ये लॉजिक हम लोग यूज करेंगे। नाउ लेट्स सी, दिस इज सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट।
आई से लेट पी स्टेटमेंट भी 3-7 आए, इज अ रियल नंबर, 3-7 आए, इज अ रियल नंबर, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट एक ही है इधर, एक ही सिंपल स्टेटमेंट इन्वॉल्व है। तो पहले ये देखो कि इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, ये जो बेसिक स्टेटमेंट हम लोगों ने बनाया ये सच है या झूठ पहले ये देखो, ठीक है। तो अगर मैं सोचूं 3-7 आए इज अ रियल नंबर, इज इट ट्रू, 3-7 आए नंबर सिस्टम, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, दिस इज एक्चुअली नॉट अ रियल नंबर, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें आई का टर्म इन्वॉल्व हो गया है, और ये आई मतलब इमेजिनरी टर्म, इमेजिनरी टर्म इन्वॉल्व होने की वजह से अब ये रियल नहीं बचा, नहीं बचा। तो आई विल राइट पहले ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट पी इज फॉल्स, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट पी इज फॉल्स, ठीक है। आप फॉल्स लिखो या एफ लिखो डजेंट मैटर, मैंने पहले भी बोला है, ठीक है, मैंने पहले यहाँ पे पूरा एफ ए एल एस ई पहले फॉल्स लिखा था, ठीक है, डजेंट मैटर, मैं अब सिर्फ एफ लिख रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये तो पी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू हुई। अब ये देखो कि आपके स्टेटमेंट का एक्चुअली सिंबलिक फॉर्म क्या है। अगर मैं आपका स्टेटमेंट देखूं तो यहाँ पे उसका सिंबलिक फॉर्म होगा नेगेशन पी, इसका सिंबलिक फॉर्म होगा नेगेशन पी। तो विल से देयरफॉर सिंबलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट, सिंबलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, इट विल बी नेगेशन पी, है ना। तो अब पी की ट्रूथ वैल्यू इसकी जगह डाल दो, पी की ट्रूथ वैल्यू जो है वो आपके सिंबलिक फॉर्म में डाल दो। तो पी की ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। तो मैंने सिंबलिक फॉर्म में, सिंबलिक फॉर्म में मतलब मेरा पूरा सिंबलिक फॉर्म था ये नेगेशन पी, जिसमें से मैं क्या कर रहा हूं, पी की जगह उसकी ट्रूथ वैल्यू डाल रहा हूं, पी की जगह उसकी ट्रूथ वैल्यू डाल रहा हूं। तो दैट बिकम्स नेगेशन एफ, एंड व्हाट इज नेगेशन एफ, नेगेशन एफ इज टी, नेगेशन का ट्रूथ टेबल, ठीक है। एफ का नेगेशन ऑब्वियसली फॉल्स का नेगेशन विल बी ट्रू। तो हियर वील से देयरफॉर जो फाइनल आंसर हम लोग बोलेंगे, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, वील से देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट is true, ठीक है। हम लोगों से गिवन स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू पूछा था, यहां पे इस केस में इट इज ट्रू। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट में सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल स्टेटमेंट्स कौन से वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उन सिंपल स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यू निकाल रहे हैं, और फिर उस ट्रूथ वैल्यू को सिंबलिक फॉर्म में रख रहे हैं, जो भी आंसर मिल रहा है हम लोग को दैट इज द फाइनल आंसर। ये हुआ फर्स्ट, मतलब सेकंड का फर्स्ट। देन सेकंड का सेकंड, इफ अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप देन डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर। अकाउंट्स में घुस गए, ठीक है, बेसिकली लॉजिक है, ट्रू फॉल्स ही घुसना है, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, यहां पे सेकंड, पहले सिंपल स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करो,
ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट्स क्या है? आपको अगर मेरे पीछे कुछ आवाज आ रही है तो वो सिक्योरिटी वाले के सीटी की आवाज है, ठीक है। नाउ इफ अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, तो ये जुड़ा कैसे है? द कनेक्टिव इज इफ एंड देन, इफ एंड देन ये कनेक्टिव है। तो मेरे जो दो स्टेटमेंट है वो क्या बन जाएंगे? अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप पहला, और डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू सप्लायर दूसरा। ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट्स हो गए मेरे, ठीक है। तो पहला है जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, लेट पी बी जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, क्यू डिस्काउंट ऑन परचेसेस क्रेडिटेड टू सप्लायर, डिस्काउंट ऑन परचेस इज क्रेडिटेड टू सप्लायर। नाउ डिस्काउंट ऑन परचेस इज क्रेडिटेड टू सप्लायर। अभी दोनों सिंपल स्टेटमेंट्स हो गए। पहला चीज हम लोग को जो चाहिए, ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यूज, ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है या फॉल्स ये आइडेंटिफाई करो। तो विल से ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट पी इज व्हाट? नाउ द स्टेटमेंट इज जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस इज ट्रू। अगेन टी लिखना है टी लिखो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो दिस इज, इसके लिए टी लिख देते, ठीक है। मैं नहीं लिखू तब तक आपको भरोसा नहीं आता कि लिखा जा सकता है, ठीक है। वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट पी इज ट्रू, दैट इज टी। देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट क्यू इज डिस्काउंट ऑन परचेस इज क्रेडिटेड टू सप्लायर, दिस इज फॉल्स। डिस्काउंट ऑन परचेस, एक एक्चुअल एंट्री ले लेता, 100 रुपए के एमआरपी की चीज थी, 100 रुपए के एमआरपी की चीज आपको दुकानदार ने 90 रुपए में दी, 10 रुपए डिस्काउंट दे दिया, आपकी अकाउंटिंग एंट्री क्या रहेगी? ठीक है, आई एम अज्यूमिंग दिस इज कैश डिस्काउंट, ठीक है ना। अगर ये 10 रुपया कैश डिस्काउंट मिला है तो माई परचेसेस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 100 रुपीज, दिस विल बी परचेस अकाउंट डेबिट 100 रुपीज। ये 100 रुपीज का अकाउंटिंग क्या होगा? 90 रुपए तो आपने कैश में दिए, तो टू कैश अकाउंट 90 रुपीज, एंड बचे हुए 10 रुपए आपको डिस्काउंट मिला है, तो टू डिस्काउंट ऑन परचेस अकाउंट 10 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। समझो क्रेडिट परचेस होता, कैश परचेस नहीं होता, तो ये कैश की जगह क्रेडिटर अकाउंट आ जाएगा, बराबर। अगर क्रेडिट परचेस होता तो ये क्रेडिटर का अकाउंट आता था ना। अब आप बोलोगे कि यहां पे क्रेडिटर क्रेडिट हो रहा है, मतलब द सप्लायर अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज, मतलब द स्टेटमेंट इज, डिस्काउंट ऑन परचेस इज क्रेडिटेड टू सप्लायर। जो मेरे पास 3 आंकड़े है, इन 3 आंकड़ों में से डिस्काउंट कौन सा आंकड़ा है, कितना? इट इज 10 रुपीज। किसको क्रेडिट हुआ है? डिस्काउंट ऑन परचेस अकाउंट को क्रेडिट हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर परचेस पे आपको कोई डिस्काउंट मिला है तो दैट इज अ इनकम, दैट इज एन इनकम, इट इज गेन, तो वो क्रेडिट होएगा, ठीक है। तो यहां पे डिस्काउंट ऑन परचेस अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड, और जो डिस्काउंट की अमाउंट है
ये डिस्काउंट की अमाउंट उस डिस्काउंट के अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, ठीक है। जो सप्लायर के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है वो तो उतना पैसा है जो आप उसको देने वाले हो बाद में, द पेएबल अमाउंट, वो सप्लायर के अकाउंट में जा रहा है। तो डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू सप्लायर, नहीं, दैट इज फॉल्स। से दिस इज फॉल्स। फाइन, नाउ व्हाट वाज द सिंबलिक फॉर्म? स्टेटमेंट ही भूल गए। द स्टेटमेंट इज इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू, तो सिंबलिक फॉर्म इज पी इंप्लाइज क्यू, तो विल से देयरफॉर सिंबलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज पी इंप्लाइज क्यू, पी इंप्लाइज क्यू। अब ये जो भी सिंबलिक फॉर्म है उसमें उनके रिस्पेक्टिव ट्रूथ वैल्यूज डाल दो, पी इज ट्रू, क्यू इज फॉल्स, डाल दो। क्या आएगा? पी की जगह ट्रू इंप्लाइज, क्यू की जगह फॉल्स, दैट बिकम्स ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, टी इंप्लाइज एफ। और अगर आपको ट्रू टेबल याद होगा इम्प्लीकेशन का, तो टी इंप्लाइज एफ इज एफ, टी इंप्लाइज एफ इज एफ, ठीक है। उसका ट्रू टेबल जो था यहां पे, इंप्लीकेशन का ट्रूथ टेबल टी इंप्लाइज एफ वॉज एफ, ये एक ही जगह फॉल्स होता था वो। फाइन, फिर देयरफॉर विल से देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, अगेन बेसिक चीज वही है, पी और क्यू स्टेटमेंट, उनकी ट्रूथ वैल्यूज और सिंबलिक फॉर्म में वो ट्रूथ वैल्यूज डाल दो, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स आपको उसके लिए वो टेबल के रूल्स याद होने चाहिए, ठीक है, जो इतनी बार इतनी बार इतनी बार मैं बोल रहा हूँ, इतनी बार हम लोगों ने रिवाइज भी किया, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन सेकेंड, सेकेंड का सेकेंड। नाउ नेक्स्ट, सेकेंड का थर्ड। एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स इफ एंड ओनली इफ मशीनरी इज एन एसेट, ठीक है। तो पी स्टेटमेंट क्या आएगा? एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स। क्यू स्टेटमेंट क्या आएगा? मशीनरी इज एन एसेट, ठीक है। तो पहले ये दो स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं हम लोग। एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स, लेट पी बी एवरी अकाउंटेंट इज फ्री to apply his own accounting rules, his own accounting rules, ठीक है। Similarly, Q statement क्या बनेगा? Q statement will be machinery is an asset, machinery is an asset. Fine. What is the connective? If and only if, मतलब double implies. लेकिन पहले individual statement की truth values देख लो. We'll say therefore,
truth value of statement P is, and truth value of statement Q is. ठीक है, पी स्टेटमेंट क्या है? एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स, जो मर्जी आए कर सकता है. दैट इज ऑफ कोर्स फॉल्स. ठीक है, तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज फॉल्स, दैट इज एफ. एंड दूसरा जो स्टेटमेंट है, मशीनरी इज एन एसेट, मशीनरी इज एन एसेट, यस दैट इज ट्रू, इट इज एन एसेट. ठीक है, पहले ज्योग्राफी घुस रही थी, अब अकाउंट घुस रहा है. तो पी स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्यू स्टेटमेंट इज ट्रू. फाइन, सिंबलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, सिंबलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, दैट इज पी डबल इंप्लाइज क्यू. जो सिंबलिक फॉर्म है दैट इज पी डबल इंप्लाइज क्यू, यहां पे इफ एंड ओनली इफ से जुड़ा हुआ है वो. तो पी डबल इंप्लाइज क्यू में पी की जगह इट विल बी एफ और क्यू की जगह इट विल बी टी. तो पी की जगह इट विल बी एफ एंड क्यू की जगह इट विल बी टी. दैट बिकम्स एफ डबल इंप्लाइज टी. एंड ट्रू टेबल मैं वापस रिमाइंड नहीं करूंगा आपको, अब आपको वैल्यू सीधी आनी चाहिए. नहीं आती है तो गो बैक टू द ट्रूथ टेबल एंड लर्न इट वंस अगेन. एफ डबल इंप्लाइज टी वॉज एफ. ठीक है, इट इज फॉल्स. तो वील से देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट is false. ठीक है, this is question 3. थ्री मतलब सेकेंड का थर्ड, सेकेंड का थर्ड ना, सेकेंड का फोर्थ. सेकेंड का फोर्थ इज, नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉर इट इज डिविजिबल बाय 4. नाइदर नॉर. ठीक है, बहुत बार कंफ्यूजन होता है, वी यूजुअली लिंक इट विथ आइदर और. हम लोग आइदर और से लिंक कर देते हैं. ठीक है, वैसा है नहीं वो. अभी मतलब समझो, लेट से ये आइदर और होता, सपोज. ठीक है, कट मत कर देना, एक्चुअली मोबाइल पे देख रहे होंगे तो वैसे भी डिफिकल्ट है, कट कैसा करोगे. ठीक है, अगर वो आइदर और होता तो वो क्या होता था? दिस वुड हैव बीन पी. ये जो पहला स्टेटमेंट है, 27 इज अ प्राइम नंबर, दिस वुड हैव बीन पी. और के लिए और का साइन आ जाता. जो दूसरा स्टेटमेंट है, और डिविजिबल बाय 4, मतलब इट इज डिविजिबल बाय 4. ठीक है, दैट बिकम्स क्यू. तो वो स्टेटमेंट हो जाता था पी और क्यू, पी और क्यू, अगर आइदर और होता तो. ठीक है, आइदर और का बेसिक मीनिंग ये है कि दिस और दिस, या तो ये या तो ये. ठीक है, नाइदर नॉर का मतलब क्या है? अगर हिंदी में मैं ट्रांसलेट करके सोचूं, नाइदर नॉर का मीनिंग क्या होता है? ये भी नहीं एंड ये भी नहीं, एंड लगता है बीच में. नाइदर नॉर, इमेजिन करके देखो. ठीक है, इमेजिन करके देखो. आई एम नाइदर एन अमेरिकन नॉर अ रशियन. ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आई एम नाइदर एन अमेरिकन नॉर अ रशियन. मीनिंग क्या है?
मैं अमेरिकन भी नहीं हूं एंड रशियन भी नहीं हूं, तो दोनों के बीच में जो कनेक्टिव आता है दैट इज एंड, दैट इज एंड। तो ये फोर्थ वाले को आप स्टार मार्क करके रख ही लो, बिकॉज नाइदर नॉर, वो आइदर और की वजह से ना थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। यहां पे ठीक है, ये भी नहीं एंड ये भी नहीं, ऐसा है वो। यहां पे पी स्टेटमेंट विल बी व्हाट, 27 इज अ प्राइम नंबर, 27 इज अ प्राइम नंबर, क्यू स्टेटमेंट इज व्हाट, डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब ये इसको स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अगर मैं पूरा रीड करूं, नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉर डिविजिबल बाय 4, तो ये जो नॉर डिविजिबल बाय 4 है ना, ये 27 की ही बात कर रहा है। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो सेकेंड स्टेटमेंट में बना रहा हूं 27 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, जो सेकेंड स्टेटमेंट में बना रहा हूं दैट इज 27 इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि मुझे मालूम है कि अपन उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, 27 इज डिविजिबल बाय 4। 27 की जगह आपने अगर 8 लिखा होता तो भी चलता था, द मीनिंग रिमेन सेम हियर। ठीक है, लेकिन 8 लिखते तो ट्रू या फॉल्स सोचना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए यहां पे 8 मत लिखो, राइट इट एज 27। ठीक है, राइट इट एज 27, क्योंकि हमको ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। सिर्फ सिंबलिक फॉर्म में बताना होता तो ठीक है, फिर तो 8 भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना। ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट पी इज, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट पी इज एंड, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट क्यू इज, तो पहले पी स्टेटमेंट देखते हैं। 27 इज अ प्राइम नंबर, झूठ, सरासर झूठ, सफेद झूठ। ठीक है, तो यहां पे द स्टेटमेंट पी बिकम्स फॉल्स। क्यू स्टेटमेंट अगर देखेंगे, 27 इज डिविजिबल बाय 4, और बड़ा झूठ, दैट इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। विल से देयरफॉर सिंबलिक फॉर्म of given statement is, symbolic form of given statement is, neither 27 is a prime number nor divisible by 4, p statement bhi nahi and q statement bhi nahi, the basic symbolic form behind it is P भी नहीं एंड Q भी नहीं, तो इट इज बेसिकली नेगेशन P एंड नेगेशन Q। नाइदर नॉर का बेसिक मतलब ये होता है कि ये भी नहीं एंड ये भी नहीं, तो जब ये भी नहीं एंड ये भी नहीं, तो इसका मतलब P भी नहीं एंड Q भी नहीं। ठीक है, तो दैट बिकम्स नेगेशन P एंड नेगेशन Q, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। अब P और Q की जगह F रखोगे आप, दोनों की जो ट्रूथ वैल्यूज है दैट इज F, तो मैं P की जगह भी F रखूंगा एंड Q की जगह भी F रखूंगा। सीधा P की जगह और Q की जगह रख दो, बाकी किसी को हाथ नहीं लगाने का फर्स्ट स्टेज पे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, जो भी P था उसको F बना दिया और Q था उसको F बना दिया, तो P और Q की जगह सिर्फ वैल्यू रखी उसकी। ठीक है, सॉल्व करते टाइम सबसे पहले नेगेशंस सॉल्व करो, क्योंकि यहां पे कहीं ब्रैकेट इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, कहीं ब्रैकेट इन्वॉल्व नहीं है, तो पहले नेगेशंस सॉल्व होंगे। नेगेशन सॉल्व होंगे इसका मतलब क्या है, व्हाट इज नेगेशन एफ, तो नेगेशन एफ इज टी। ठीक है, एंड यहां पे भी व्हाट इज नेगेशन एफ, नेगेशन एफ इज टी, तो नेगेशन एफ इज टी
तो इसके लिए आ गया टी, बीच में एंड है ये वाला, और नेगेशन एफ आ गया टी। ठीक है, तो इट इज लाइक दिस। तो वो नेगेशन एफ एंड नेगेशन एफ है, तो दैट बिकम्स टी एंड टी। ठीक है, टी एंड टी। हाँ, व्हाट इज टी एंड टी? टी एंड टी, ट्रू एंड ट्रू, वॉज ट्रू, तो विल से देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, एक्चुअली स्टेटमेंट से जज करने की कोशिश कर सकते हो आप, उसका क्या बोलना है। 27, नाइदर 27 इज प्राइम नंबर नॉर इट इज डिविजिबल बाय 4। सच है, 27 प्राइम नंबर भी नहीं है और वो 4 से डिविजिबल भी नहीं है। ठीक है, तो उसकी बात सच थी, तो हमने यहाँ पे सिर्फ घुमा फिरा के वही बताया कि हाँ बात सच है। ठीक है, बट बताना ऐसे ही है आपको, पी स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्यू स्टेटमेंट इज फॉल्स। सिंबलिक फॉर्म जो आएगा उसमें पी और क्यू की जगह फॉल्स रख दो, जो भी आपका फाइनल वैल्यू आएगा वो, दैट इज द आंसर। ठीक है, दिस इज सेकेंड का फोर्थ। दिस इज सेकेंड का फोर्थ ना, सेकेंड का फिफ्थ। थ्री इज अ प्राइम नंबर एंड एन ऑड नंबर। ठीक है, अब अगेन ये थ्री की बात कर रहा है, तो दो स्टेटमेंट्स क्या बनेंगे अपने, थ्री इज अ प्राइम नंबर, सेकेंड स्टेटमेंट विल बी थ्री इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो फिफ्थ में लेट पी बी थ्री इज अ प्राइम नंबर, क्यू बी थ्री इज एन ऑड नंबर। ठीक है, हमको मालूम है कि वो स्टेटमेंट में थ्री की बात कर रहा है, थ्री इज अ प्राइम नंबर और थ्री इज एन ऑड नंबर, तो दोनों स्टेटमेंट में, मतलब उसको एक्चुअली स्टेटमेंट जैसा बनाना पड़ेगा आपको। आप सिर्फ इतना नहीं बोल सकते हो ना एन ऑड नंबर, क्योंकि वो कोई स्टेटमेंट नहीं होगा, वो इट इज नॉट इवन अ सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, तो इट बिकम्स थ्री इज एन ऑड नंबर, फाइन। दोनों की इंडिविजुअल ट्रूथ वैल्यूज, तो विल से देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट पी इज सिमिलरली ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट क्यू इज। पहला स्टेटमेंट है थ्री इज अ प्राइम नंबर, दैट इज ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट है थ्री इज एन ऑड नंबर, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पर दोनों ही, दोनों की ट्रूथ वैल्यू टी टी आएगा, दोनों ट्रू है। नाउ द सिंबलिक फॉर्म, सिंबलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज सिंबलिक फॉर्म, दिस इज थ्री इज अ प्राइम नंबर एंड एन ऑड नंबर, ये क्या बन जाता है, दिस इज पी एंड क्यू, इट बिकम्स पी एंड क्यू। तो सिंबलिक फॉर्म इज पी एंड क्यू। ठीक है, दोनों की जगह पी और क्यू, दोनों की जगह ट्रू आएगा, इट विल बी टी। ठीक है, पी के लिए भी टी एंड क्यू के लिए भी टी, तो व्हाट इज टी एंड टी, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। विल से देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। विल से देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, प्लीज नोट दिस कि यहां पे
मैं इक्वल टू नहीं यूज कर रहा हूँ, इट इज इक्विवेलेंट टू। ये पॉइंट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये इक्वेशन नहीं है, दोनों साइड कोई वैल्यूज नहीं है जिसकी वैल्यू सेम है, ठीक है। वैल्यू मतलब उनकी इनहेरेंट वैल्यू, ठीक है, देर आर नो नंबर्स अटैच टू इट, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। तो हियर जहां मतलब सेम होता है वी यूज इक्विवेलेंट, वी डोंट यूज इक्वल टू, ठीक है। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में जब भी आप यूज करोगे इक्वल टू नहीं यूज करोगे, इट विल बी ऑलवेज इक्विवेलेंट, तीन लाइंस, फाइन। तो ये हुआ अपना सेकंड का फिफ्थ, आज अपन यहीं तक कर रहे हैं, इसके आगे का पार्ट मतलब थर्ड ऑनवर्ड्स कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, थैंक यू।